हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं हूँ अंजलि, अंशिका ब्यूटी पार्लर से। और जो आज की वीडियो है गाइस, उसमें मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ कृति सैनन मेकअप लुक, जो कि काफी ब्यूटीफुल है, आप सब देख ही सकते हो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरी वीडियोज को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने सीरम कर लिया था, उसके बाद यहाँ पे मैं नेचर एसेंस का 24 कैरेट गोल्ड सीरम यूज किया, जो कि काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग है गाइस। और अगर आपकी स्किन ड्राई या कॉम्बिनेशन है तो आप लोग सीरम और मॉइस्चराइजर अच्छे से यूज करें, जिससे कि आपका मेकअप केकी नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फाउंडेशन अप्लाई किया, जो कि मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन है, और उसको फाउंडेशन ब्लेंडर ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। आप सब यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं गाइस। आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज का मेकअप होता है वो बहुत ही लाइट मेकअप होता है और वो काफी ब्यूटीफुल लगता है। तो वही मैं यहाँ पे रिक्रिएट कर रही हूँ। प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे येल्ले गर्ल का HD प्रो कंसीलर ले रही हूँ, जिसको कि आप लोगों को अपने हाईलाइट पॉइंट पे लगाना है और आईलिड पे भी इसको अप्लाई करना है, क्योंकि आईलिड पे मैंने अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। सो आप लोगों को अच्छे से इसको अप्लाई कर लेना है, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको हम ब्लेंड कर देंगे। और गाइस, जब भी आप लोग हाईलाइट पॉइंट पे कंसीलर को अप्लाई करते हो, ब्लेंड करने के लिए आप लोग स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर का यूज करो, तो काफी अच्छे से आपका ये हाईलाइट पॉइंट पे ब्लेंड हो जाएगा। सो उसके बाद गाइस, यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे ही पाउडर को सेट कर दूंगी, और जो पाउडर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो बनाना पाउडर है। सबसे पहले आप लोगों को अपने अंडर आई एरिया पे इसको अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि अभी तक हमने आई मेकअप कंप्लीट नहीं किया है। सो जो भी हमारा आई शैडो डस्ट ऑफ होगा, और जब हम पाउडर को हटाएंगे तो जो भी हमारा आई शैडो डस्ट ऑफ हुआ है वो भी आराम से क्लीन हो जाएगा। तो पाउडर सेट करने के बाद हम आ जाएंगे अब आई मेकअप पे। आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लाइनर आप लोगों को थोड़ा सा मोटा और विंग क्रिएट करना है, क्योंकि जो मेकअप लुक मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मैं आई मेकअप बहुत ही न्यूड है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सो आप लोगों को विंग लाइनर क्रिएट करना है इस तरीके से। उसके बाद गाइस, आई मेकअप के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 का आई शैडो पैलेट, जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन कलर का यूज़ किया है, और इस तरीके से फ्लफी ब्रश से आप लोगों को अपने आईलिड पे अप्लाई करना है। इस मेकअप लुक में सिर्फ वन कलर का यूज़ हुआ है गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो, सिर्फ डार्क ब्राउन कलर का यूज़ करना है आप लोगों को, और पूरे आईलिड पे फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर देना है इस तरीके से। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यही कलर लेना है और लोअर लैश लाइन पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। फिर जो भी हमने एक्स्ट्रा पाउडर को लिया था उसको हम अच्छे से डस्ट ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्राउनर, इसको जहाँ पे हम लोग कंटूरिंग करते हैं वहाँ पे आप लोगों को इसको अप्लाई कर लेना है। सो यहाँ पे आप सब देख सकते हो गाइस, इसका जो ब्राउनर है काफी अच्छा है, काफी अच्छा इफेक्ट देता है। और यहाँ पे मैं फोरहेड पे भी थोड़ा सा ब्राउनर कर लूंगी। उसके बाद मेबेलिन फिट मी का ब्लशर, जो कि इसको मैं अपने पूरे चीक्स पे अप्लाई कर लूंगी, जहाँ पे भी हमने ब्राउनर किया था उसके जस्ट ऊपर हम इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और फोरहेड पे, नोज पे, चीक्स पे, चिन पे, यहाँ पे अच्छी तरीके से हम ब्लशर को अप्लाई कर लेंगे। और गाइस, जो हमारा ब्राउनर ब्लशर होता है उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। ऐसा नहीं करना कि जो भी आप ब्राउनर या फिर ब्लशर को अप्लाई करते हो वो अलग से दिखाई दे। सो आप लोगों को इसका ध्यान, ब्राउनर और ब्लशर अच्छे से ब्लेंड हो। उसके बाद गाइस, मैं यहाँ पे आईब्रोज को फिल कर लूंगी। आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड का यूज, फिल करने के बाद इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे ब्रश की हेल्प से। कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपने आईब्रोज को सेट कर लेना है। उसके बाद गाइस, अब हम यहाँ पे हाईलाइटर यूज करेंगे। हाईलाइटर जहाँ पे मैंने ब्लशर किया था उसके जस्ट ऊपर चिक बोन पे हम हाईलाइट कर लेंगे। इस चिक्स पे मेरे हाईलाइटर थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो मैं इसको फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा नोज पे गाइस, आप सब देख सकते हो, तो मैंने नोज टिप पे और यहाँ नोज ब्रिज पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है, मैंने फुल नोज पे हाईलाइट नहीं किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिन पे और फोरहेड पे इस तरीके से हाईलाइट कर लूंगी। उसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे भी अच्छे से हाईलाइट कर लूंगी। और जो ब्रश मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गाइस, वो बहुत ही पतला ब्रश है, जिससे कि आपका हाईलाइटर बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलने वाला। उसके बाद नेक्स्ट मैं ब्रो बोन पे भी हाईलाइट करूँ। उसके बाद गाइस, अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। सो लास्ट जो है, अब हम मस्कारा को यूज करेंगे। और जो मस्कारा मैं यूज कर रही हूँ गाइस, वो है मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये जो मस्कारा है गाइस, उसको आप लोग अगर लगाएंगे ना, तो आप लोगों को फॉल्स आईलैश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतने अच्छे से आपके आईलैश को कर्ल कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो मैंने यहाँ पे फॉल्स आईलैश नहीं लगाई है, इसी मस्कारा से अपने आईलैश को अच्छे से कर्ल कर लिया। गाइस, लास्ट में अब हम अप्लाई करने वाले हैं लिपस्टिक। और जो लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गाइस, वो है मेरा स्विस ब्यूटी का हॉट रेड लिपस्टिक, जो इसको अप्लाई करने के बाद गाइस मेरा मेकअप हो जाएगा डन। सो अभी आप सब फाइनल लुक देख सकते हो।
लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपर लिप पे भी हाईलाइट कर लिया। उसके बाद आप लोगों को कर लेना है मेकअप को फिक्स। सो गाइस, मेकअप अब हमारा कंप्लीट हो गया। सो अभी आप सब देख सकते हो मेरा फाइनल लुक। और प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज का मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी और आप लोगों की वीडियोज़ मिस नहीं होंगी।